सिड रुको। हाँ? तुमने सुना वो एक बच्चे की चीखने की आवाज सुना? हाँ शायद। अरे पर यहाँ सुनसान जंगल में बच्चे की आवाज कहाँ से आएगी? हमारा वहम हो गया यार। ये वहम नहीं, सच में किसी बच्चे की चीखने की आवाज थी। कोई सही में मुसीबत में है। अरे वहां से, अरे आवाज तो इधर से आ रही है। किसी गाड़ी को रोके मदद के लिए? इस हाईवे पे तो कोई गाड़ी दिख नहीं रही अभी। ऐसा करो तुम यही रुको, मैं अंदर देख आता हूँ। नहीं मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं तुम यही रुको, कोई गाड़ी आए तो मदद मांगने लगा उससे। ठीक है ध्यान से। हाँ तुम यही रुको, मैं आता हूँ। हेलो सिड। हेलो श्रद्धा, सुनो ये मुझे लग रहा है ये किडनैपिंग का केस है, तुम अभी सीआईडी को फोन करो। ओके ओके मैं सीआईडी को फोन करती हूँ। हेलो हेलो सिड, फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं उसे कुछ? हेलो हेलो सीआईडी, तुम रुको मैं पानी लाती हूँ। ये लो। गॉड सर आप लोग आ गए, देखिए ना क्या किया उन्होंने इसके साथ। इट्स ओके श्रद्धा, मामूली सी चोट है। अभी आप ठीक हैं? यस सर। ये कैसे हुआ, कैसे ये सब? सर सर हम हमारी आने वाली फिल्म एक विलन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, फिर अचानक इस जंगल से किसी बच्चे की चीखने की आवाज आई। हाँ और फिर मैं वहां गया देखने के लिए कि शायद कोई बच्चा मुसीबत में नहीं है। ए ए कौन है, रुको। आपने एक बार भी नहीं सोचा अपनी जान जोखिम में डालने से पहले? ऐसे वक्त में दिमाग की नहीं दिल की सोचनी चाहिए, और मुझे लगे कोई मुसीबत में है और उसकी मदद करनी चाहिए। हम आपके जज्बे की कद्र करते हैं। समाज से जुर्म मिटाने का जितना जिम्मा सीआईडी का है उतना आम नागरिकों का भी है, और आप तो इस देश के यूथ के रोल मॉडल हैं। उम्मीद करता हूँ आपसे इंस्पायर होकर और लोग भी आगे आएंगे मुसीबत में लोगों की मदद करने के लिए। सर मैंने बहुत कोशिश की कि कोई गाड़ियों को रोकूं, लोगों से मदद मांगूं, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर जुर्म और अपराध कैसे मिटेगा? सही कह रहे हैं आप। मुसीबत में फंसे लोगों को देख के हम अपना मुंह पलट लेते हैं, तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि कल को ये चीज हमारे साथ भी हो सकती है। वैसे सिद्धार्थ आप क्या बता रहे थे, अंदर 4-5 बच्चे थे? हाँ जी सर, और गुंडे भी 4-5 ही थे। सिद्धार्थ आपने उनके चेहरे देखे थे? नहीं सर, गुंडों ने हुडी पहन रखा था और चेहरे पे एक नकाब था। और बच्चे
बच्चे के चेहरे? हाँ सर, सर बेहोश होने से पहले एक बच्चे की शक्ल याद है मुझे सर। सर गोल मटोल सा, तकरीबन 4 फीट का, रंग गोरा और आंखें भूरी। सर ये हुलिया तो ठीक सारा जैसा है। हाँ ये ये बच्चा था? हाँ सर यही वो बच्चा है, आप इसे जानते हैं सर? हाँ इसका नाम सारांश है और पिछले 1.5 महीने से लापता है, इसके माँ बाप का भी खून हो गया है। That's so sad. उम्मीद करता हूँ सारांश तक अब हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सिद्धार्थ आपने कुछ सुना, वो गुंडे बच्चों को कहाँ ले जाने की बात कर रहे थे? सर सर बेहोश होने से पहले एक गुंडा फोन पे बात कर रहा था सर। हाँ बच्चे यही है, हम लोग 15 मिनट में लेकर उन लोग को पहुंच रहे। 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, मतलब वो कहीं आसपास ही गए होंगे। लेकिन सर मैंने उन्हें यहाँ से बाहर आते हुए नहीं देखा। बाहर आते नहीं देखा? हाँ। मतलब उनका अड्डा जंगल के अंदर ही है। एनीवे थैंक यू वेरी मच और उम्मीद करता हूँ आपकी ये चोट जल्दी भर जाएगी। आप मेरी फिक्र मत करिए सर, आप बच्चों को ढूंढिए प्लीज। आई लाइक योर स्पिरिट और आप दोनों की आने वाली फिल्म एक विलेन के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर जब बच्चों को पसंद आए हमें प्लीज इन्फॉर्म कर देना। जरूर सिद्धार्थ सर। यस सर। टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बच्चों की जान को खतरा है, ना जाने किस मकसद से उन लोगों ने बच्चों को बंदी बना रखा है। हाँ पंकज, बच्चों के माँ बाप? ठीक है उनको रोक के रखो, मैं अभी आता हूँ। काविन पूरा जंगल छान मारो। 3 दिन हो गए मेरी बच्ची अब तक घर नहीं आई है। क्या बात है, क्या हुआ? सर मेरा बेटा तो 1 हफ्ते से गायब है सर, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा ली मगर उन्हें भी कुछ पता नहीं चला। आप लोग घबराइए मत, हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चे सही सलामत घर आ जाए। मयूर इशिता इन सब की डिटेल्स ले लो। यस सर। जाइए अभी तक, आइए आप हमारे साथ ही। प्लीज हमारी बच्ची को बचा लीजिए सर। क्या हुआ आपकी बेटी को? हमारी बेटी गायब हो गई है। आपकी बेटी गायब है? कब कब से गायब है वो? आज सुबह मैं उसके कमरे में जब उसे उठाने गया तो वो थी नहीं वहाँ। कल रात वो कमरे में थी? जी सर, मैंने उसे खाना खिला के उसके कमरे में ही सुला के आई थी उसे। उसकी साइकिल भी गायब हो गई है। कहीं वो सुबह साइकिल चलाते चलाते कहीं चली तो नहीं गई? हमारी बच्ची हमसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाती। ठीक है आप लोग घबराइए मत, आप अपनी बेटी की फोटो लाएं। जी सर। जरा प्लीज हमें दीजिए, हम जल्दी ढूंढ निकालेंगे उसे। पारुल सर ये तो वही बच्ची जो सारांश के साथ आई.आई. स्कूल में पढ़ती थी। सर ये देखिए क्लास 4 में। मगर आपको कैसे पता? चलिए सारांश के केस में हम आपकी बेटी से मिले थे स्कूल में। आपकी बेटी साइकिल चलाने कहाँ जाती है? बड़ी पार्क में। वॉचमैन गायब। वहां पेड़ के नीचे बैठा है गेट छोड़ के। इधर आओ। जी साहब। इस बच्ची को पहचानते हो तुम? हाँ साहब, ये तो अक्सर यहाँ आती है साइकिल चलाने। कल भी आई थी? नहीं कल नहीं आई थी। एक काम करो, पार्क का कोना कोना छान मारो और आसपास भी देखो, देखो कुछ मिलता है क्या। सुनिए आपने इस बच्ची को देखा कहीं? ए बच्चों एक बात बताओ, ये जरा फोटो देखो, इस बच्चे को देखा है आपने? नहीं, नहीं। देखो बेटा साइकिल, कहीं ये पारुल की साइकिल तो नहीं? थैंक यू। आप और भी
सर, क्या हुआ? वो देखिए, जंगल के बीचों बीच सुनसान घर। ये क्या? या तो लाशें ही लाशें हैं, मगर इन सबको गोली किसने मार दी? हो सकता है वही इंसान हो जिनके साथ ये गुंडे फोन पे बात कर रहे थे। मतलब उन बच्चों को यहाँ बंदी बना के रखा गया था। वज, पता करो इस घर का मालिक कौन है। सर। निकल, अंदर जितने गुंडे हैं सबकी डिटेल्स निकालो पूरी। हाँ बोल। ये तो मेरी बेटी पारुल की साइकिल है। मेरी बेटी को कहीं कुछ हो तो नहीं गया? सर प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए सर प्लीज। आप लोग घबराइए, साइकिल मिल गई है, पारुल भी मिल जाएगी। और सर यहाँ पर सर ये देखिए, यहाँ पर खाने का सामान और कपड़े रखे हुए, लगता है किसी ने अपना बसेरा बना रखा है। सर, हाँ? सर ये देखिए, सर एक नोट है, मुझे आज रात 8 बजे पार्क के पीछे मिलो, सारांश। पारुल के यहाँ पार्क में आने के बाद कुछ ऐसा हुआ है जो वो गायब हो गई है। सर हो सकता है पारुल उन जंगल वाले बच्चों में हो सारांश के साथ। हो सकता है। यहाँ पे क्या हुआ है ये तो वही बताएगा जिसने यहाँ पे अपना बसेरा बना रखा है। ये ब्रेसलेट तो मेरी बेटी का है। ये कंगन मेरी बेटी का है। ये चेन तो मेरे बेटे को दी थी मैंने। चलिए एक बात तो पता चल गई कि आप सबके बच्चे एक साथ है उस अपराधी के पास। और हमारे बच्चे इन गहनों में, तो हमारे बच्चों के गहने है ही नहीं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? घबराइए मत, हो सकता है कि उन गुंडों ने आपके बच्चों के गहने कहीं भेज दिए हो। हाँ, आप एक काम कीजिए, अपने बच्चों के गहने के डिटेल्स हमें लिखवा दीजिए। निकल सर, लिखवा दो। आइए काम है, मैं काम करूँ। पता करो इस शहर में से कितनी दुकानें हैं जहाँ पर ये चोरी के जेवर खरीदे बेचे जाते हैं। सौ। लगता है वही है। चलो कुछ हाथ लगा या खाली हाथ वापस आ जाए। कौन है आप लोग? रिश्ते में तो हम तुम्हारे कुछ नहीं, मगर नाम है CID। कहाँ भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे साहब? साहब माफ कर दो, दोबारा यहाँ रहने नहीं आऊंगा। यहाँ कैसे रहेगा तू? तेरी जगह जेल में है। नहीं साहब। बच्चों की चोरी करता है? नहीं साहब, ऐसा काम नहीं करता मैं साहब। तो फिर वो साइकिल, साइकिल कहाँ से आई? एक बच्ची की है साहब साइकिल। इस बच्ची की? हाँ साहब, ये इसी बच्ची की है। ये बच्ची कल आई थी यहाँ पर साहब, मगर क्या हुआ उसके साथ? साहब कल रात वहाँ पर वो बच्ची एक बच्ची के साथ कुछ बातें कर रही थी साहब। दूसरा बच्चा? वो दूसरा बच्चा ये था?
हाँ साहब, यही बच्चा था वो साहब। सारांश, फिर क्या हुआ? साहब, कल जैसे ही खाना खाने लगा तो एक कार इन बच्चों के पास आकर रुकी और उनमें सवार लोग जबरदस्ती कार में डालने लगे उन बच्चों को। साथ कार वाले लोग उन्हें उठाकर ले गए। साहब, कम से कम पुलिस के पास जाना चाहिए था। बच्चे की साइकिल चुराई और यहाँ रख ली। उस गाड़ी का नंबर या उन लोगों के चेहरे देखे तुमने? साहब, अंधेरा था ना, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। हाँ साहब, साइकिल के पास मेरे को एक कागज मिला था, उस पर किसी की फोटो बनी हुई थी। साहब देखा, ये स्केच सारांश या पारुल ने बनाया है। पता लगाना पड़ेगा ये स्केच वाला आदमी है कौन। नहीं सर, सर पूरा क्रिमिनल डेटाबेस और सारा आर्काइव चेक कर लिया, ये स्केच वाला मुजरिम नहीं मिला सर। कमाल है सर, ये स्केच एक बच्चे ने बनाया, हो सकता है उससे गलती हो गई हो, क्यों ना हम किसी प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट की मदद ले। गुड, फोन करके बुला लो उसे। जी सर। पूर्वी एक काम करो, तब तक इस आदमी को इंटरनेट पे चेक करो, हो सकता है ये पुराना मुजरिम ना हो, कोई आम आदमी हो। सर, सर हमारा अंदाजा सही निकला, ये कोई पुराना मुजरिम नहीं है, मगर कोई आम इंसान भी नहीं है। सर ये तो मशहूर बिजनेसमैन रंजीत कुमार है, मगर सर इतने बड़े बिजनेसमैन का इस केस से क्या लेना देना? अब ये तो रंजीत कुमार से ही पूछना पड़ेगा। साहब, साहब मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी साहब। एक बार हो तो गलती, बार बार हो तो गुनाह, जानते हैं ना साहब। मैं अकेला थोड़ा ही हूँ शहर में, और भी लोग हैं जो ऐसा गलत काम करते हैं सब। मुझे जाने दीजिए प्लीज। जाने देंगे? आप बस हमें पहले ये बता दीजिए कि उन गुमशुदा बच्चों से जो गहने चोरी हुए वो आपकी दुकान तक कैसे पहुंचे, कौन लाया था? कौन लाया था? सब रघु लाया था। कौन रघु? सर आधा घंटा हो गया, सर रंजीत अभी तक आया नहीं। वही तो। सर ने आप लोगों के लिए चाय भेजी है। वो सब छोड़ो, रंजीत सर कब आने वाले हैं? बस उनकी मीटिंग खत्म ही होने वाली है, कुछ ही देर में सर आते होंगे। भेजो उनको। यस सर। देखो जैकोस, ये डील किसी भी हाल में कैंसिल नहीं होना चाहिए, समझे? ओके, बाय। आई एम सो सॉरी आप लोगों का कीमती समय बर्बाद करने के लिए। नाउ टेल मी, बताएं हम आप लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं? हम यहाँ एक केस के सिलसिले में आए हैं। केस? कैसा केस? इस बच्चे को पहचानते हो? सारांश नाम है इसका। नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये लड़की पारुल इसे जानते हैं? नहीं, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये बच्चों के फोटोज आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे लापता हैं, इनके जैसे और भी बच्चे हैं जो गायब हैं। तो बच्चों के गायब होने से मेरा क्या संबंध? संबंध है ये स्केच आपका है? हाँ, किसने बनाया? इन्हीं में से एक बच्चे ने, शायद गायब होने से पहले। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि बच्चों के गायब होने के पीछे मेरा हाथ है? आपका हाथ है या नहीं अभी पता चल जाएगा, तलाशी लो इनके घर की। जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट, आप लोगों के पास सर्च वारंट है? वो भी आ जाएगा। तो फिर लेकर आइए, समझे? ठीक है, अगले एक घंटे में वापस आएंगे और इस बार सर्च वारंट के साथ। सर, उस औरत के गले में वैसा ही लॉकेट है जैसा इस फोटो में है।
सुनिए, क्या नाम है आपका? जी सुधा। ये चेन तुम्हारे पास कहाँ से आई? मेरे पति ने दी तोहफा में जन्मदिन पर। कहाँ से लाए आपके पति है? ये सब तो मुझे पता नहीं है साहब। पति का मोबाइल नंबर देना जरा। याद नहीं है साहब। याद नहीं? साहब यही घर है। मेरा सामान इधर उधर कैसे? क्या यही रघु है? हाँ सब यही रघु है। तुझे क्या लगा सीआईडी से भाग के जाएगा? तू सीआईडी को मेरे घर तक ले आया? एक बार जेल से छूटने दे, तेरा हिसाब तो मैं चुकता करूंगा। अच्छा हिसाब चुकता करेगा? उससे पहले अपनी ये चोंच खोल और हमें बता कि वो गुमशुदा बच्चे कहाँ हैं। गुमशुदा बच्चे? कौन से गुमशुदा बच्चे? वही बच्चे जिनसे तूने वो गहने चुराए थे। कहाँ है वो? वो गहने तो मुझे रोड पर पड़े मिले थे। सर, आ दिव्या। सर ऊपर आइए जल्दी। इस तरफ। माय गॉड। इनको भी ले जाओ। संभाल के। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। अब बता इन बच्चों के साथ तू क्या करता है? वो मैं बता क्या करता है? सारी इंफॉर्मेशन कवर्ड के अंदर। वंश सर। रखो रखो वंश रघु का सर। लगता है रघु भाग गया सर। भाग गया। गॉड डैम इट। मैंने तो गोली चलाई नहीं। लगता है इसकी गाड़ी में किसी ने बॉम्ब फिट कर रखा था। रंजीत तो मर गया, अब बच्चों तक कैसे पहुंचेंगे? असली मुजरिम के जरिए है, जिसने रंजीत को मार के ये साबित कर दिया है कि केस अभी खत्म नहीं हुआ है और उसका पता रंजीत के घर से ही चलेगा। सर रंजीत के मरने से एक बात तो साबित हो जाती, इस केस का असली मुजरिम वो नहीं कोई और ही। हाँ
वो जानता था रंजीत हाथ लग गया तो उसका भांडा फूट जाएगा, इसलिए उड़ा दिया। सर, हाँ निकल। बच्चों को दिव्य के साथ ब्यूरो भेज दिया। गुड, निकल। एक काम करो, ऊपर जाके देखो कुछ मिलता है क्या। मैचेस यहां पर क्यों छुपा कर रखी है? सर, मैचेस की डिब्बी कोई यहां क्यों छिपाएगा? कुछ तो है। तो मोबाइल के अंदर नंबर वगैरह नहीं होते स्क्रैच के अंदर, जैसे लॉटरी में होता है, वैसा ही कुछ दिख रहा है। सेवन थ्री वन एक्स वाई जीरो थ्री फाइव। कावे? हाँ कावे? हमें रघु के घर से एक माचिस की डिब्बी मिली। खास बात यह है सर कि इस माचिस की डिब्बी के पीछे एक नंबर लिखा है। स्क्रैच करने में पता चला कि यह नंबर 731 है। यार मुझे भी एक मैच बॉक्स मिला है, उसमें भी नंबर लिखा हुआ है। सेम मैच बॉक्स एक्स वाई जीरो थ्री फाइव। सर लेकिन इन नंबर्स का मतलब क्या हो सकता है? एक्स वाई जीरो थ्री फाइव सेवन थ्री वन, क्या चक्कर है? एक मैच बॉक्स में है एक्स वाई जीरो थ्री फाइव, उसको मिलता है सेवन थ्री वन। सर कहीं ये किसी गाड़ी का नंबर तो नहीं है? अरे हाँ, गाड़ी का नंबर ही है पूर्वी, एक्स वाई जीरो थ्री 5731। अगर इन लोगों ने सुन लिया तो हम खाना नहीं देंगे। आरटीओ से पता चला कि वो नंबर एक ट्रक का है। कुछ देर पहले वो चोमू पुलिया चेक नाके से गुजरा है। चोमू पुलिया। हेलो पंकज, वो ट्रक अभी चोमू पुलिया के पास में देखा गया है, पकड़ो उसे जल्दी। हाँ हम लोग वहीं पहुंच रहे हैं। पंकज, ट्रक को बहुत जल्दी पकड़ लिया तुमने। थैंक यू सर, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, बच्चे ट्रक में नहीं है, ट्रक बिल्कुल खाली है। ट्रक खाली है? ड्राइवर कहाँ है? यहाँ है सर, मयूर के पास। आइए सर। रंजीत की गाड़ी को तूने उड़ाया बम से? बम? ये आप क्या कर रहे हैं साहब? मैं तो दिवाली में भी बम नहीं फोड़ता साहब। है ड्रामा बंद कर, बच्चे कहाँ हैं? कौन से बच्चे साहब? वही बच्चे जिन्हें तुम लोगों ने गायब किया है, जिनको ट्रक में भर के ले जा रहे हो तुम लोग। नहीं साहब, मैं तो ये ट्रक बिलासपुर से खाली करके लौट रहा हूँ साहब। बिलासपुर से आ रहे हो, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ एक मिनट, ये सामान की डिलीवरी रसीद है साहब।
ठीक है। अगर ये ट्रक मुंबई में था, ट्रक का नंबर रघु और रंजीत के घर पे कैसे पहुंचा? सर हो सकता है उस ट्रक पर नकली नंबर प्लेट लगी हो, इसी नंबर की। अनिकेत, हाईवे नंबर 35 पे रेती बंदर के पास कुछ सीआईडी वाले तो बच के आ रहा हूं। और बॉस कहां है? तुम सभी के काम से मैं बहुत खुश हूं। बस ये सारे बच्चे सीआईडी की पहुंच से दूर पहुंच जाएं और फिर तुम सभी को इनाम मिलेगा। चलो ले चलो इन सभी को। चलो चलो चलो। अरे जल्दी लेके चलो, टाइम नहीं मेरे पास। पारुल तुम इस साइड जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। पारुल जिद मत करो प्लीज। की कीमत 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तुम्हारा चाचा कर देगा पैसे। चुप। क्या सोच रहे हो तुम बच्चे? बहुत होशियार। लेकिन ये कंस मामा तुम्हारा, तुम जात से कहीं होशियार है। हर कंस का एक ही अंत होता है मामा, मौत। सीआईडी भागो भागो। रेडी, बच्चों को पकड़ो जल्दी 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 इस तरफ। तो वही है ना जो पाइपलाइन में भिखारी बन के बैठा हुआ था। इस भिखारी का धंधा बच्चों की चोरी का। विदेश में बच्चों को बेचने का धंधा करता था मेरे जीत के साथ। ओ, दोनों पार्टनर थे तो फिर क्यों मारा रंजीत को? क्योंकि बहुत लालची हो गया था वो, ज्यादा हिस्से की मांग करने लगा था वो, इसीलिए मैंने जीत का स्केच आपको दिखाया ताकि आपको लगे कि वो मुजरिम है। उसके बदले के बाद आपकी केस बंद कर दे। ये बेवकूफी थी तुम्हारी ऐसा सोचना।
रंजीत के मरते ही हमें पता चल चुका था असली गुनहगार कोई और है। और तुमने अपने बाकी के गुंडों को क्यों मारा? क्योंकि मैं कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए। क्या फायदा हुआ? पूरी मेहनत पे पानी फिर गया तुम्हारे। अब जाओ जेल, इंतजार करो अपनी मौत का। फांसी होगी तुम्हें फांसी। लेके जाओ इसे। थैंक यू अंकल, हमारी जान बचाने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम लोग तो हमारी जान हो, तुम्हारे लिए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप सीआईडी अंकल हो ना? अरे हम सीआईडी अंकल हैं। आपने पहचान लिया हमें पारुल? मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आपने जब मुझे आइसक्रीम खिलाया था ना। आज भी आइसक्रीम मिलेगी और सब बच्चों को मिलेगी। अच्छा सारांश, आप घर से भाग के कहाँ चले गए थे? उस दिन मैं अपने मम्मी पापा को खून देके बहुत डर गया था, इसलिए मैं घर से भाग गया। जैसे ही मैं घर से निकला तभी इन बुरे अंकल ने मुझे पकड़ के एक रूम में बंद कर दिया। फिर 15 दिन बाद हम लोग वहाँ से भाग निकले। ठीक है, वेरी गुड। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने वो पावल की साइकिल को चिट्ठी छोड़ दी। अच्छा, उस रात मैं सारांश से मिलने गई तो क्या वो सारांश तुम 15-20 दिनों से किधर थे? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे और आज तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? पारुल, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे किडनैप किया था और वहाँ कुछ बच्चे भी थे, मैं यहाँ से भाग के आ गया। कोई बात नहीं, तो लोग सब बच्चे आइसक्रीम खाने चलेंगे। अरे वो सीआईडी वालों को फोन आ रहा है। अरे स्पीकर पे ला लो। हाँ मैं दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। हेलो सर, सर बच्चे मिल गए आपको? हाँ बच्चे मिल गए और अपराधी भी पकड़े गए। अरे वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़ सर। सर इस बात को सेलिब्रेट करना बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। तो ग्रेट सर, आज रात को हमारी पिक्चर एक विलन का प्रीमियर है, आपको और आपकी पूरी टीम को और उन बच्चों के साथ आना ही पड़ेगा। अरे नहीं वो I won't take no for an answer. आज तो खुशी का मौका है, आप लोग भी तो ब्रेक लीजिए ना इन विलन से। ठीक है ठीक है, कितने बजे पहुंचना है? सर आज रात को 9 बजे। ग्रेट सर, वी विल सी यू देयर। ओके थैंक यू।